जमीर अली सेठ साहब हैं। जमीर अली सेठ साहब के ताल्लुक से जैसा कि मुझे बताया गया कि आपकी अपनी ज़मीन से जुड़े रहकर, ज़मीन से जुड़कर ज़मीन के कामों में सबसे आगे रहने वाली जो शख्सियत हैं आपके अपने इस कासौदा में, वो आली जनाब जमीर अली सेठ साहब हैं। और उसी के साथ साथ मोहतरम हिब्बू दादा साहब हैं और मोहतरम सद्दाम पिंजारी साहब हैं। ये मुशायरा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, है तो बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो खसूसी जिम्मेदारान हैं ये उनके नाम मुझे दिए गए, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमें और इन शोरा इकराम को मौका दिया, दावत दी, मदू किया। इसके लिए मैं तमाम कमेटी का दिल की गहराइयों के साथ तमाम शोरा इकराम की जानिब से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जितने हाजरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तमाम हाजरीन को इस उर्स मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दाएं बाएं जानिब जो लोग खड़े हैं या पीछे जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ कुर्सियाँ और नशिस्तें आपका इंतज़ार कर रही हैं। इत्मीनान के साथ आप लोग भी बैठ जाएंगे तो जो ताखिर से आने वाले लोग हैं उन्हें पीछे जगह मिलेगी। आपने वक्त का ख्याल रखा है, आप वक्त से पेशतर आ गए हैं, तो आप लोगों का हक भी यही है कि पहले से आप लोग बैठ जाएं कुर्सियों पर। इस तरफ ये जो वीआईपी जोन बनाया गया है, पीछे तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जोन बनाया गया है। और तमाम जिम्मेदारान की जानिब से आज के इस मुशायरे के आगाज़ का मुझे हुक्म दिया गया है, तो मैं हमद के मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आपकी समाज तक पहुँचना चाहता हूँ। यहाँ से मैं अपनी बंदगी का सबूत पेश करता हूँ हमद के मिसरे पढ़कर, वहाँ से आप हमद के मिसरों पर सुबहान अल्लाह कहकर अपनी बंदगी का सबूत पेश करें, ताकि हम अपने किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिदहत व तारीफ से करते हैं, उसकी किब्रियाई बयान करते हुए करते हैं, उसकी हमद व सना बयान करते हुए करते हैं, ताकि हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है, वो हमें पालने वाला है, तो उसका नाम लेकर हम अपने काम का आगाज़ करते हैं तो हमारे काम में बरकतों का नुज़ूल हो जाता है, हमारे काम में बरकतें शामिल हो जाती हैं। आज के इस प्रोग्राम का आगाज करता हूं, हमद के मिसरे पढ़ता हूं। यहां से वहां तक जो लोग बैठे हुए हैं, मेरी आवाज तो इस माइक के जरिए आसानी से आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपके पास कोई माइक नहीं है, फिर भी हमद के मिसरे पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की जो आपकी सदा होगी वो मेरे कानों तक अगर पहुंच गई तो मैं समझ जाऊंगा कि बरकतों के साथ इस महफिल का आगाज हो रहा है। फूल खिल सकता है क्या? मौसम बदल सकता है क्या? हमद के मिसरे पढ़ता हूँ। साकिब जुनेदी बेलगाम के एक शायर हैं, वो कहते हैं, बस ज़्यादा मत कहो। मैं मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं जहीर अख्तर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि डाइस पर तशरीफ लाएं। मैं हमद के मिसरे पढ़ता हूँ, आप सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा, ताकि एक अच्छा सा माहौल यहीं से बने। सरकार हज़रत सैयद मोहम्मद सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर मैं अपनी गुफ्तगू का और इस मुशायरे का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और किब्रियाए बयान करते हुए कर रहा हूँ, आप उसमें शिरकत करें कि फूल खिल सकता है क्या? मौसम बदल सकता है क्या? फूल खिल सकता है क्या? मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? फूल खिल से अभी आपकी दाद कम थी। मैं मुझे पता है कासौदा के लोग किस तरह से शेर सुनते हैं। पहले तो कमेटी के लोगों ने मुझे आपसे बहुत दूर कर दिया, ये दरमियान में एक लंबा चौड़ा सा खला रख दिया है, आपको मेरे बहुत करीब होना चाहिए था तो मैं आपसे दाद यूं ही निकाल लेता, लेकिन जब कोई शख्स दूर होता है तो उससे दाद लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने दो मिसरे पढ़े, चौथे मिसरे में इंशाअल्लाह कोई गूंगा भी यहाँ बैठा होगा तो वो भी सुभान अल्लाह कहता हुआ नजर आएगा और उसकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी। फूल खिल सकता है क्या? मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? कौन है ये? अल्लाह रब्बुल इज्जत का निज़ाम है, जब परवरदिगार चाहता है तो अपना जिक्र अपने बंदों से करवाता है, अपने महबूबीन का जिक्र अपने बंदों से करवाता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और
छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का बाद सनाए रबुल आलमीन। चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए, उस बारगाह में चले जिस बारगाह से जिंदगी मिली, जिंदगी जीने का शऊर और सलीका मिला, उस बारगाह में चले जिस बारगाह के ताजदार ने हमें और आपको जमीन की पस्तियों से उठाकर और ये सुरैया की बुलंदियों तक पहुँचा दिया, उस रहमत आलमीन की बारगाह में चले जिस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जहालत पहुंची तो उसे इल्म में तब्दील कर दिया गया, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जिस बारगाह में मुर्दा दिली पहुंची तो उसे जिंदा दिली में तब्दील कर दिया गया, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जिस बारगाह में तंग दस्ती और फकीरी पहुंची तो उसे सखावत अता कर दी गई, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जिस बारगाह में मौत पहुंचती है तो उसे जिंदगी बना दिया जाता है, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जबकि जिस बारगाह में मिट्टी का एक शख्स पहुंचता है तो उसे अबू बकर बना दिया जाता है, उसे उमर बना दिया जाता है, उसे उस्मान बना दिया जाता है, उसे खैबर शिकन मुश्किल कुशा अबू तुराब हजरत मौलाए कायनात हजरत अली बना दिया जाता है, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले कि सामने जब वो साथ होती है जलवाए हक की बात होती है, चौथे मिसरे पर आपकी दाद चाहूंगा कि सामने जब वो साथ होती है जलवाए हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, उस बारगाह में रात पहुंचती है तो उसे दिन में तब्दील कर दिया जाता है, तो आइए अपना टूटा हुआ नसीब लेकर उस बारगाह में पहुंचते हैं, आइए अपनी टूटी हुई किस्मतें लेकर उस बारगाह में पहुंचते हैं, अमीन हमारी आंखों ने नहीं देखा वह अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ, ऐ अल्लाह के रसूल आप जैसा हसीन जमील किसी नाम किसी भी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया, फिर आगे कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक्कतु आईनी वह अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन, ऐ अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह पाक ने तमाम ऐबों से पाक करके पैदा किया है, तान्ना का खुलिकता कमा तसाऊ, ऐ अल्लाह के रसूल हमें तो ऐसा लगता है कि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया गया है, ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नादे पाक पढ़ने वाले शायरों की, तो आज की इस महफिल में बारगाह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए शहर अजीज मालेगांव से मुतरन्निम लबो लहजे का एक ऐसा शायर आया हुआ है जो मालेगांव के नाम को पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में चार चांद लगाता है, जिसकी खूबसूरत और प्यारी आवाज़ की डोर पकड़कर हम बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत की खिराज पेश करने के लिए यहीं आप बैठे रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर में वो शायर तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देगा। चलते हैं, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सिर्फ दो मिसरे पढ़ता हूँ। आज़म चिश्ती पाकिस्तान के एक शायर हैं, नादे पाक के इंतकाल हो गया, उन्होंने दो मिसरे कहे थे, दो मिसरे मैं पढ़ता हूँ इन आज़म चिश्ती साहब के, और ज़हीर अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं कि अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए मैं मोहतरम ज़हीर अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ, माइक पर तशरीफ लाएं, बुलंद आवाज से आप कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई इरशाद अंजुम का कि नाते पाक के लिए मुझे हुक्म दिया। आप लोगों से गुजारिश, इरशाद अंजुम साहब कर रहे थे कि जब नाते पाक का या हमद का शेर आप तक पहुँचे तो बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहें। नाते पाक के लिए हुक्म हुआ है, मतला हाजिर करता हूँ नाते पाक का, एक चार मिसरे पहले सुन ले मुकम्मल नाते पाक से कब हाजिर करता हूँ मिलाए जफ भाई अता करें। जिंदगी अपनी वफाओं
से बदल कर देखो, जिंदगी अपनी वफाओं से बदल कर देखो, जुल्मते शब के हिसारों से निकल कर देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदगी अपनी वफाओं से बदल कर देखो, जुल्मते शब के हिसारों से निकल कर देखो, कामयाबी के सितारों की तरह चमकोगे, कामयाबी के सितारों की तरह चमकोगे, सुन्नते अहमद मुख्तार मिठल कर अहमद मुख्तार मिठल कर देखो। आइए हुक्म हुआ नाते पाक का, सुभान अल्लाह। मतलब और दो तीन शेर हाजिर कर देता हूँ, मुलायजा फरमाइएगा, थोड़ी सी मोहब्बत आपकी और पहुँचे ताकि कुछ शेर आसानी से पढ़ सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाजिर करता हूँ, मुलायजा फरमाइए अता करें। मेरे आका, मेरे आका, मुझे गर आपका दीदार हो जाए, मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए, 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 तो जीते जी मेरी दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, मेरी दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए, करूं जब जिक्र मैं उनका, करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी, क्या बात है, करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी, करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी, मुअत्तर घर मेरा रोशन दरो दीवार हो जाए, मुअत्तर घर मेरा रोशन दरो हो जाए, हो जाए, मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए, तभी बेवक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, तभी बेवक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, तभी बेवक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, तभी बेवक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, नबी के इश्क में एक बार जो बीमार हो जाए, एक बार जो बीमार हो जाए, मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए। और मक्ता भी मोहब्बतों से मुलायजा फरमाए, मक्ता सुनिएगा इरशाद भाई, मेरे बहुत मोहतरम फारूक सेठ साहब यहाँ मौजूद है, मालिक भाई मौजूद है, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए, इसी उम्मीद पे तन में सफर
जारी है सांसों का, इसी उम्मीद पे तन में सफर जारी। आप सबकी भी अगर यही तमन्ना हो तो आमीन कह दीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाजा हुक्माए, इसी उम्मीद पे तन में सफर जारी है सांसों का, इसी उम्मीद पे तन में सफर जारी है सांसों का, इसी उम्मीद पे तन में सफर जारी है सांसों का, सही रखतर पे भी आका करम एक बार हो जाए, एक बार हो जाए मेरे आका मुझे घर आपका दीदार हो जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मालेगांव से फारूक भाई की जानिब से, ये 200 रुपए का नजराना जहीर भाई के लिए आया। मैं रफीक भाई से गुजारिश करता हूँ जहीर भाई की खिदमत में पेश करें। जब नाते पाक कोई शायर पढ़ रहा होता है तो उसे अगर कोई तोहफे तायफ में कुछ तो मोहब्बत का नजराना पेश किया, आपने पूरी मोहब्बत के साथ उन्हें नमाजा सरकार के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहा, इसके लिए मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तबीब वक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, नबी के इश्क में एक बार जो बीमार हो जाए। नात पाक अल्लाह का जिक्र हुआ फिर नात पाक पढ़ी गई। अब जिस बारगाह के उर्स के मौके पर आप और हम आए हुए हैं उस बारगाह के लिए भी कुछ मिसरे पढ़ दूँ। तबीब वक्त भी अच्छा उसे कर ही नहीं सकता, नबी के इश्क में एक बार जो बीमार हो जाए, शेर जहीर भाई ने पढ़ा था। इस बारगाह से मैं सिर्फ कासूदा ही नहीं बल्कि कुर्ब जवार के लोग भी अपनी परेशानियों के हल के लिए आया करते हैं। ये बारगाह नवाजने वाली बारगाह है, ये परेशानियों से का हल करने वाली बारगाह है। इस बारगाह से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ आपकी तरफ देखना चाहता हूँ कि हो नज़र में आपका दरबार उठते बैठते। मेरे मिसरे रायगा या खाली नहीं जाने चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं सरकार से ये सादिक शाह हुसैनी की बारगाह में मिसरे पढ़ाऊँ और इनसे मोहब्बत करने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। जो लोग इस तरफ बैठे हुए हैं इनकी आवाज़ भी मुझ तक पहुँचे। धीरे धीरे मैं आपको भी देखता हूँ, धीरे धीरे इधर भी देखता हूँ। हो नज़र में आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। अब शेर देखिए कि हो नजर में आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। ऐ मरीज ऐ तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। ऐ तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। आपके हमारे महबूब नज़र शोरा इकराम की आमद आमद हो रही है। मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब, मोहतरम हामिद भुसावली साहब, मोहतरम ज़ुबैर अली ताबिश साहब, मोहतरम साबिर आफाक साहब, मोहतरम नसीब फिरदौसी साहब, इन तमाम शोरा इकराम का और जितने शोरा इकराम डाइट पर बैठे हुए हैं तमाम लोगों का ज़ोरदार तालियों से एक मरतबा आपकी तरफ से आपके अपने इस ज़मीन की तरफ से इस्तकबाल होना चाहिए। आइए मैं चाहता हूं कि अब अपनी ज़मीन के शोरा इकराम से हम आगाज़ करते हैं। आपकी अपनी मिट्टी के जो शोरा इकराम हैं, देखिए जो बैरून के शोरा इकराम हैं वो तो आज की रात आपको सुनाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन साल भर जो लोग आपकी अपनी ज़मीन पर आपको सुनाते रहते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत करते हैं, आपकी अपनी ज़मीन पर उर्दू ज़बान उर्दू अदब को ज़िंदा रखे हुए हैं, वो आपकी अपनी मिट्टी के शोरा इकराम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हम अपने मकामी शोरा इकराम को समाप्त करेंगे, सुनेंगे। तो मैं इस वक्त मोहतरम साजिद हुसैन साहब जो आपकी अपनी सरजमीन के मकामी शायर हैं, मैं इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी रखता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपकी अपनी ज़मीन के इस मुशायरे हजरत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इस मुशायरे में पहले शायर होने का शरफ़ हासिल करें कि होशियारी, इरफान सिद्दीकी ने कहा था होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। जोरदार तालियों से आपकी अपनी जमीन के शायर मोहतरम साजिद हुसैन साहब का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
शाह के दर से जगह बिगड़ी नहीं सोने वाली, आप जो पोछ दे आंसू नहीं रोने वाली, शाह के फैज के मजमून तो लिख सकते हो, करामतों की तो तशरी नहीं होने वाली। बात ऐसी है कि मुझे दबाएगा, दो नंबर का माल थोड़ी हो, क्या बात है, मुझे दबाएगा दो नंबर का माल थोड़ी हो, खुद में बिजली हूँ मैं, शीशे में बाल थोड़ी हो, लड़ाकू मुर्गा हूँ मैं, अपनी बाजी मारूंगा, पका के खाएगा मैं घर की दाल थोड़ी हूँ। बहुत अच्छा है। यूं सरेआम दिखाने के लिए थोड़ी है, यूं सरेआम दिखाने के लिए थोड़ी, सब चले आएंगे आने के लिए थोड़ी है, ऐसे अंगड़ाई को ना हाथ उठा जाने गजल, ये अदा सबको बताने के लिए थोड़ी है, और ये दुपट्टा है तेरी लाज सर पे रहने दे, ये दुपट्टा है सर पे रहने दे, ऐसे लटका के हिलाने के लिए थोड़ी है। वाह बहुत अच्छा है बाबा, ऐसे बाबा, जो तेरे राबते में रहते हैं, जो तेरे राबते में रहते हैं, हर घड़ी वसवसे में रहते हैं, क्या बात है, अच्छा, जो तेरे राबते में रहते हैं, हर घड़ी वसवसे में रहते हैं, सल्तनत सब तुझे नवाज चुके और पुराने किले में रहते हैं, तेरा बाकी तुझे मुबारक हो, हम तो अपने जले में रहते हैं। बहुत अच्छा। जब मेरी नींद मेरे घर में आके सोती है, मेरी नींद तब तेरी याद भी बिस्तर में आके सोती है, अब कहा शेर भटकते हैं तेरी बस्ती में, अब गजल कागजी चादर में आके सोती है। क्या बात है। अब एक वक्त कम है तो एक गीत राही वस्तवी साहब ने जो पढ़ा है वो उनके अपने अल्फाज हैं, और उनको देखकर मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज रहेंगे। जी भाई। दोहरा है जहां में प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, दोहरा है जहां में प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कुछ लोग भी है गलत, कुछ लोग भी है मक्कार, अरे रे बाबा ना तकरार हुई, दुनिया उसकी बेकार हुई, एक मर्द ही इसका कारण था, वो मर्द जो उसका साजन था, वो प्यार जो उसका समझ पाता, तो घर उसका भी बस जाता, बिकती न सरे बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा, कुछ लोग भी है मक्कार, अरे रे बाबा ना बाबा। वो तो एक अबला नारी है, वो जीती बाजी हारी है, जो बैठी है बाजारों में, मानो तकदीर की मारी है, उसकी जरा इमदाद करो, इज्जत न कोई बर्बाद करो, कीमत न लगाओ यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कुछ लोग भी है मक्कार, अरे रे बाबा ना बाबा। औरत ये कहे मैं कैद में हूँ,
जी भाई। तू जब बल खा कर चलती है, अय्याशी आंखें मलती है, मेरे दिल से आह निकलती है, तू कितने रूप बदलती है, तहजीब तू अपनी भूल गई, क्या शर्म तुझे मालूम नहीं, तहजीब तू अपनी भूल गई, क्या शर्म तुझे मालूम नहीं, तू सारे शहर में घूम रही, किस बज़्म में तेरी धूम नहीं, बेपरदा ना जा बाजार, अरे रब बना बाबा, कुछ लोग भी है मक्कार, अरे रब बना बाबा, कुछ लोग भी है मक्कार, अरे रब बना है, मेरा शौक तू मेरी आदत है, तुझे देख देख मैं जीता हूँ, तेरे नैनों से मैं पीता हूँ, तेरे कुर्ब में मैं खुशहाल रहूँ, तेरे हिजर में मैं बदहाल रहूँ, तू दवा है मैं बीमार, अरे रे बना बाबा, कुछ लोग भी है कार, अरे रे बाबा ना बाबा, बहुत मुबारक पेश करता, ये थे आपकी हमारी सरजमीन के शायर साजिद हुसैन साहब। मैं चाहता हूं कि आज की इस महफिल की सदारत के लिए ऐलान करूं, हमारे बीच पाचोरा भड़गांव मतदार संघ के लाड़ के आमदार किशोरप्पा पाटिल साहब, विजू भाऊ नगर सेवक अल्ताफ हाजी साहब,
असलम भाई पिंजारी, नगर सेवक एरंडोल नगर पालिका, बनिया दादा, अल्ताफ हाजी साहब, इन तमाम का हम मुशायरा कमेटी सैयद अरशद अली, मुशरिफ पठान, अब्बू दादा, आसिफ मनियार, डॉक्टर नाजीम अली और सत्ताम पिंजारी और हमारे पूरे कासदा शहर की तरफ से अप्पा साहब और आपकी पूरी टीम का हम तहदिल से इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खुशामदीद करते हैं। बिलखुसूस मेहमान हमारे बीच तशरीफ रखते हैं अप्पा साहब और आपकी टीम, आपकी मौजूदगी इस मुशायरे के वकार में इजाफे का सबब बन रही है। आइए, किशोर अप्पा साहब आमदार पाचोरा भड़गांव मतदार संघ, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं सैयद जमीर अली और आसिफ मनियार ग्राम पंचायत मेंबर को दावत सुगन दे रहा हूं कि वो किशोर अप्पा साहब का इस्तकबाल करें। इस शेर के साथ अप्पा साहब के आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दुर्वेश हो सुल्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। और एक शख्सियत तशरीफ रखती है, जनाबे आसिम मिर्जा साहब, इनका इस्तकबाल मैं मुशरिफ पठान को दावत सुगन दे रहा हूं कि वो आए और जनाबे आसिम मिर्जा साहब के इस्तकबाल करें। एक शख्सियत हमारे बीच जलवागर है, जनाबे अल्ताफ हाजी साहब, मैं इनकी गुलपोशी इनका इस्तकबाल करने के लिए अबू दादा को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और जनाबे अल्ताफ हाजी साहब का इस्तकबाल करें। और एक शख्सियत हमारे बीच जलवागर है, विजू भाव नगर सेवक, मैं इनकी गुलपोशी के लिए माजी उप सरपंच डॉक्टर नाजीम अली को दावत सुगन दे रहा हूँ कि वो आए और विजू भाव का इस्तकबाल करें। इसके बाद स्टेज पर मौजूद बनिया दादा साहब, मैं इनकी गुलपोशी के लिए सद्दाम पिंजारी को दावत सुगन दे रहा हूँ कि वो आए और बनिया दादा इनका इस्तकबाल करें, इन्हें शाल और फूल से नवाजें। जनाबे फिरोज भाई स्टेज पर आ जाए, मैं
इनका इस्तकबाल AIMIM तालुका अध्यक्ष शाकिर सर, इनको तो आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और फिरोज भाई का इस्तकबाल करें। जनाबे मेरे बहुत अच्छे दोस्त असलम दादा पिंजारी, इनकी मौजूदगी वकार प्रोग्राम के वकार में इजाफा कर रही है। नगर सेवक असलम दादा पिंजारी, इनकी गुलपोशी शाकिर सर के हाथों होने जा रही है। आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इस्तकबाल का ये प्रोग्राम खत्म होता है। मैं मुशायरा कमेटी और हमारे कासोदा शहर के तमाम लोगों की तरफ से किशोर अप्पा साहब और आपकी पूरी टीम, इनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। दरियाओं को जोम था के मैं धारे पे आ गया, इरशाद अंजुम साहब। दरियाओं को जोम था के मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे इशारे पे आ गया। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस महफिल की सदारत के लिए। नशा नहीं है, अब्बास ताबिश ने कहा था, नशा नहीं है मगर लड़खड़ाना चाहते हैं, तेरी शराब की इज्जत बचाना चाहते हैं। हमारा मसला यह है कि एक शख्स से हम कई तरह का ताल्लुक बनाना चाहते हैं। मेरी अपनी ज़मीन मालेगांव के शायर, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 22 मुल्कों में गज़ल सुनाई है अपनी खूबसूरत आवाज़ में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं उर्दू ज़बान के, वहाँ वहाँ तक पहुँचने वाली ये आवाज़, मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब, इनका नाम नामी इसमें ग्रामी आज की इस महफिल की सदारत के लिए मैं इस उम्मीद पर पेश कर रहा हूँ कि मेरा कोई साथी यहाँ पर आए और मेरी बात की तायद करें। अजीज़ाने गिरामी, अभी अभी इरशाद अंजुम ने जिस शख्सियत का नाम मसनद सदारत के लिए पेश किया है, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से प्रोग्राम के आगाज़ की इजाज़त चाहता हूँ। एक मरतबा हमारे सदर अली वकार अल्ताफ़ ज़िया साहब, तमाम शुराय ग्राम, तमाम मेहमानान इकराम के लिए इनके इस्तकबाल में एक ज़ोरदार तालियाँ आपकी तरफ से होनी चाहिए। गज़ल के मिसरे को मिसरे से जोड़ा जाता है, तमाम रात गमों को निचोड़ा जाता है, यहाँ पे हिंदू भी होंगे यहाँ मुसलमान भी, ये शायरी है यहाँ सबको जोड़ा जाता है। यहाँ पे हिंदू भी होंगे यहाँ मुसलमान भी, ये शायरी है यहाँ सबको जोड़ा जाता है। हमारे आमदार साहब बैठे हुए हैं, किशोर साहब, और हमारे विजू भाई हैं। देखिए ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है सर कि उर्दू ज़बान का मुशायरा होता है और स्टेज पर आप जैसे लोग बैठे होते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कुछ लोग नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हम उन नफ़रतों की तरफ नहीं बहने वाले, हमें मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, हमें हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर इस मुल्क हिंदुस्तान में जो खूबसूरती रही है गंगा जमनी तहजीब की, जो सूफियों और संतों के इस मुल्क में, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लियाकत जाफरी ने जम्मू कश्मीर से कहा था कि अजीब लोग थे वो, सीपियाँ बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियाँ बनाते थे। अब अगले दो मिसरों में मैं ऐसा ही हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ जो पहले मेरे पुरखों का हिंदुस्तान था। अगर आप भी ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं तो चौथे मिसरे पर तायद करेंगे कि अजीब लोग थे वो, सीपियाँ बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियाँ बनाते थे, हमारे गाँव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। फिर वहीं पे नवाज देवबंदी साहब ने,
ऐसी दाद की तो हम सब लोग चाहत रखते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाब देवबंदी साहब ने कहा था कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। जितने लोग बैठे हुए कोई चौथे मिसरे पर तालियां बजाने में कंजूसी ना करे। हजरत बाबा सैयद सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मैं एक मैसेज, एक पैगाम, ये कैमरा लगा हुआ है यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में इस कासोदे के मुशायरे को देखा जाएगा, तो मैं मैसेज, एक पैगाम एक फकीर एक अल्लाह वाले की बारगाह से देना चाहता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। बस ऐसा ही खूबसूरत हिंदुस्तान आप और हम चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मोहज़्ज़ब मेहमानाने किराम को जाना है, ये मसरूफ लोग हैं, लेकिन एक शायर को, एक मजाहिया शायर को जिन्हें हमने बुलाया है, जो पूरे मुल्क पूरी दुनिया में हंसाने का काम करते हैं, मोहतरम सुंदर मालेगामी साहब, तो थोड़ी देर के लिए, वो अभी इस वक्त तो थोड़ी देर के लिए हमारे मेहमानों के लिए एंटरटेन, आपको और मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए आएंगे। जी भर कर हम सुंदर साहब को बाद में सुनेंगे, इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सलीम समर बदायूनी ने कहा था, अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। देखिए तीन मिसरे में पढ़ूंगा आपको हंसी नहीं आएगी, चौथे मिसरे पे आपको हंसी आ जाएगी कि अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब ना खाए तो शौहर से बोली, माँ ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। तो देखिए हंसी मजाक का जो माहौल है, ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। सुंदर मालेगामी साहब का जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ। भाई जो जो मेरे दोस्त इधर खड़े हैं आगे, ये बिसात सदर साहब खाली है आप लोग। सदर साहब पहली दफा बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आ जा पास मेरे। क्या बात है, तू आ जा पास मेरे और गुदगुदी कर दे, और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतले कर दे। बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे, और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। यहाँ पर सजाए भी हो सकता था लेकिन अपन इतने बड़े शायर है नहीं, इसलिए नहीं उसको बिठा दिया। बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। वाह वाह, ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। देख ले यहाँ जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, अब उसको आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ हंसना है। देखिए आदमी तीन बार हंसता है, पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, क्या बात है, दूसरी बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है बोले पहली दफा मुझको समझा भी नहीं, हंस दिया। हाँ तो आप जो है, एक गुजारिश और आपसे कर दूं कि आप लोग मुझे देखने के चक्कर में न रहें, हाँ मुझे सुने, हम सुनने की चीज है, देखने वाली चीज है ही नहीं। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा जी। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब अच्छा कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसने पांव रखा जो पानी में, उसने पांव रखा जो पानी में, पांव रखा जो उसने पानी में,
सारा पानी शराब, क्या बात है, सारा पानी शराब कर डाला, सारा पानी शराब कर डाला। अभी हमने रंडोर में पढ़ा, देख साहब खड़े हो गए, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं। बात अच्छा, उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब अगला पिछला हिसाब कर डाला, अगला पिछला। देखिए ये तो बहुत मोहतरम लोग हैं। हाँ, सुंदर भाई जी। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों, मैं आज की हमारी इस महफिल में हमारे जो आमदार हैं अली जनाब किशोर अप्पा पाटिल साहब, मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहां माइक पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो आसान हो गया हूं मैं, आप नज़र में रखें अली जनाब किशोर अप्पा पाटिल साहब को, कि ये जो आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं, ये जो आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं, है दुआओं का काफिला मेरे साथ, नौजवानों का हौसला हूँ मैं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारे नौजवानों का हौसला बनने का काम करती हैं। मैं मोहतरम अली जनाब किशोर अप्पा पाटिल आपके इस इलाके के आमदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात अपने दो लफ्ज से इस महफिल को नवाजें। तमाम चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि आप जोरदार तालियों से आमदार साहब अली जनाब किशोर अप्पा पाटिल साहब से का इस्तकबाल करें। मालेगांव वालों की कद इतनी छोटी है। लेकिन मूर्ति लहान है, कीर्ति महान है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं मराठी में बोलना चाहता हूँ। अच्छा सादिक शाह हुसैनी बाबाचा या उरुच्या निमित्तानं गेल्या अनेक वर्षापासूनची असलेली ही परंपरा अखंडित ठेवलेल्या या मुशायऱ्याच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र आसिमभाई, हाजी साहब, विजयजी भोसले, आमचे एरोंडोलचे नगरसेवक, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर भारतभरातून आलेले सर्व आमचे शायर, या कार्यक्रमाचे आयोजक, ग्रामपंचायतचे सर्व सन्माननीय सदस्य आणि समोर उपस्थित असलेले या सुंदर अशा कार्यक्रमाचा आनंद लुटण्यासाठी बसलेले सर्व माझे बांधवांनो, मित्रांनो आणि बालगोपालांनो, मी पहिल्यांदा तुमच्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो की मला या मुशायराचं, या उरुजचं प्रत्येक वर्षी आमंत्रण असायचं, परंतु कदाचित माझ्या नशिबात नव्हतं, मी आजपर्यंत या कार्यक्रमाला येऊ शकलो नाही, पण मी आज स्वतःला भाग्यवान समजतो की आज मी या कार्यक्रमाला येऊ शकलो आणि आपल्या सगळ्यांचं दर्शन झालं, त्याचबरोबर आपल्या हुसैनी बाबांचं दर्शन झालं, त्याबद्दल मी आपल्या सर्व आयोजकांना पहिल्यांदा मनापासून धन्यवाद देतो। मी घड्याळात टाइम पाहत होतो, मला खरं म्हणजे मुंबईला जायचं आहे, परंतु दिवसभराचं टेन्शन असं वाटत होतं की आपण कधी पोहोचू कधी निघू, परंतु इथे आल्यानंतर दोनच जण उभे राहिले असं वाटलं। आजचा कार्यक्रम कॅन्सल झाला तरी चालेल, आणखी कार्यक्रम ऐकू।
परंतु मालेगाव वाले लगेच निघून गेले. पण हरकत नाही, बांधवांनो, एक अतिशय आपला हा हिंदुस्थान हा असा आहे, जगाच्या पाठीवर हा आपला अनेक रंगांनी, अनेक धर्मांनी, अनेक जाती पंथांनी तयार झालेला हा आपला हिंदुस्थान आहे. या हिंदुस्थानमध्ये प्रत्येक जाती पाती धर्म आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, प्रत्येकाचे सण वेगवेगळे पाहायला मिळतात, आणि त्याचं एक ऐक्य आज आपल्या सुफी संत या बाबाच्या रूपाने आपल्याला आज हा सुंदर असा कार्यक्रम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, की ज्याची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आपण अखंडपणे या ठिकाणी ठेवतो. एक सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन आपण या ठिकाणी दरवर्षी करतो, मग ते कव्वालीचं मला वाटतं काल झाला, आज मुशायरांचा कार्यक्रम होतोय, आणि इतक्या या धगधगत्या जीवनामध्ये अशा ह्या सर्व भारतभरातून आलेल्या शायरांच्या मुखातून निघणारी जो काय आनंद आपल्याला मिळतो, की आपण दिवसभराचं सगळं दुःख विसरून आणि पूर्ण एन्जॉय आपण आनंद या ठिकाणी लुटत असतो. खरं म्हणजे सगळं विकत भेटतं पण हास्य विकत भेटत नाही, परंतु इथे 2 तास आपल्याला फुकट हसायला मिळतं आणि आपलं आयुष्य आपण वाढवतो असा हा सुंदर या कार्यक्रमाला खरं म्हणजे मी वेळ देऊ शकत नाहीये, परंतु मी पुन्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार मानेल. पुढच्या वेळेस आवर्जून, आतापर्यंत येऊ शकलो नाही, पण पुढच्या वेळेस आवर्जून 2-3 तास जितकाही वेळ कार्यक्रम चालेल त्याचा पूर्ण आनंद मी या यात्रेच्या निमित्तानं, या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी घेईल अशा पद्धतीची ग्वाही देतो. मी खरं म्हणजे आमच्या बालगोपालांपासून सगळेजण या ठिकाणी येऊन 10, 20, 50, 100 रुपये देत होते आणि तो चान्स मला नाही आहे. त्याच्यामुळे या मुशायराच्या निमित्तानं सगळ्या शायरांना मी माझ्याकडून 5,000 रुपये या ठिकाणी जाहीर करतो सगळ्यांना, कारण मी थांबू शकत नाही. सगळ्यांच्यासाठी मी 5,000 रुपयाची देणगी या सर्व आमच्या शायर बांधवांना देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अप्पासाहेब, आम्ही भी आज सादिक्षा हुसेनी सरकारच्या दरबारासमोर राहून एक तुम्हाला आश्वासन घेतो आणि तिथे दुआही करतो का त्यांनी अल्लाह सुभाना तआलाकडे एक दुआ करावी का. आपण आता बोललात का मी पुढच्या वेळेस नक्की येईल, पण आमची अशी इच्छा आहे अप्पासाहेब, आपण एक जळगावचा उभरता हुआ चेहरा आहे आणि एक आम्ही पाचुराचे आमचे भरपूर काही मित्र परिवार आहे, तिथेही तुमचं कार्य पाहिलेलं आहे, तुम्ही सर्व समाज बांधवांना सोबत घेऊन चालतात. आम्ही आज या ठिकाणी या निमित्त फक्त एवढीच एक दुआ करतो का अल्ला सुभाना तआला तुम्हाला एक समस्त मानव कल्याण जातीचं विकासासाठी, सर्व जाती धर्माच्या विकासासाठी येणाऱ्या वेळेस तुम्ही मंत्री म्हणून आमच्या कासोदा शहरात या, एरंडोल तालुक्यात या. मी एरंडोल शहराचा नगरसेवक तालुक्याचा जिम्मेदार व्यक्ती म्हणून तुमचं स्वागत करेल आणि पूर्ण कमिटी, पूर्ण पूर्ण या नागरिकांच्या उपस्थितीत सरकारला दुआ करतो का सरकार आपण आमची मंशा पूर्ण करावी और आपण मंत्री म्हणून यावं एवढी एक अपेक्षा. यहाँ जमे हुए मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम. मेरे दोस्तों, हमारे आमदार साहब जो दिख रहे हैं आपको, जो तरुण तड़पदार चिकने और जिनके हौसले बुलंद हैं, उनके लिए एक शेर अदा करूंगा. जब मुशायरा है तो हमें भी नहीं रहा गया, इनके जैसे तो नहीं बोल सकता लेकिन मेरे हिसाब से बोलूंगा. मंजिलें उसी को मिलती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिनके पंख में बल होता है. मंजिलें उसी को मिलती है जिनके पंखों में बल होता है, जिनके पंख बुलंद होते हैं, लेकिन सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके सपनों में जान होती है वो मंजिलें हासिल करते करते कई मंजिलें हासिल कर लेते हैं. उसी तरह हमारे आमदार साहब के सिर्फ पंखों में बल नहीं बल्कि उनके सपनों में जान है, इसलिए एक एक कामयाबी वो हासिल करते जा रहे हैं. जैसे हमारे एरोडोले भैया ने जहाँ कहा कि अगले वर्ष को आपा मिनिस्टर बन के आए, इंशाल्लाह इनका पैगाम बाबा सुन ले. थैंक यू. अप्पा साहब, 4 लोगों की दिली ख्वाहिश है कि वो किशोर अप्पा साहब और उनकी पूरी टीम का इस्तकबाल करें. मैं फटाफट नाम लूंगा.
अशरफ अली, जमशेरपड़ा, रियाज भाई, जलाल दादा डाइस पर आए, और पाचोरा भड़गांव मतदार संघ के लाड़के आमदार किशोर अप्पा साहेब का इस्तकबाल करें। अप्पा साहेब इस शेर के साथ के, यकीन हो के ना हो बात यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, आप हिंदू मैं मुस्लिम हम सब है भाई भाई, मगर ये दूरियों की साजिश किसी कमीन की है। दोस्तों, अब अजान और नमाज के बाद इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज किया जाएगा। इसने पर तायद करेंगे कि अजीब लोग थे वो, सीपियां बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। फिर वहीं पर नमाज देवबंदी साहब ने, ऐसी दाद की तो हम सब लोग चाहत रखते हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज देवबंदी साहब ने कहा था कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। जितने लोग बैठे हुए, कोई चौथे मिसरे पर तालियां बजाने में कंजूसी ना करे। हजरत बाबा सैयद सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मैं एक मैसेज, एक पैगाम, ये कैमरा लगा हुआ है यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में इस कासोदे के मुशायरे को देखा जाएगा, तो मैं मैसेज, एक पैगाम एक फकीर एक अल्लाह वाले की बारगाह से देना चाहता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। बस ऐसा ही खूबसूरत हिंदुस्तान आप और हम चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे मोहज़्ज़ब मेहमानाने किराम को जाना है, ये मसरूफ लोग हैं, लेकिन एक शायर को, एक मजाहिया शायर को जिन्हें हमने बुलाया है, जो पूरे मुल्क पूरी दुनिया में हंसाने का काम करते हैं, मोहतरम सुंदर मालेगामी साहब, तो थोड़ी देर के लिए वो अभी इस वक्त तो थोड़ी देर के लिए हमारे मेहमानों के लिए एंटरटेन, आपको और मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए आएंगे, जी भर कर हम सुंदर साहब को बाद में सुनेंगे। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कलीम समर बदायूनी ने कहा था, अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। देखिए तीन मिसरे मैं पढ़ूंगा आपको हंसी नहीं आएगी, चौथे मिसरे पे आपको हंसी आ जाएगी कि अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब ना खाए तो शौहर से बोली, माँ ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। तो देखिए हंसी मजाक का जो माहौल है, ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। सुंदर मालेगामी साहब का जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ। भाई जो जो मेरे दोस्त इधर खड़े हैं आगे, ये बिसात सदर साहब खाली है आप लोग। सदर साहब पहली दफा बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आ जा पास मेरे। क्या बात है, तू आ जा पास मेरे और गुदगुदी कर दे, और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे, और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। यहाँ पर सजाए भी हो सकता था लेकिन अपन इतने बड़े शायर है नहीं, इसलिए इसको बिठा दिया, बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। वाह,
ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। और देख ले यहाँ जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, अब उसको आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ हंसना है। देखिए आदमी तीन बार हंसता है, पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, क्या बात है। दूसरी बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है, बोले पहली दफा मुझको समझा भी नहीं, मैं हंस दिया। हाँ, तो आप जो है एक गुजारिश और आपसे कर दूं कि आप लोग मुझे देखने के चक्कर में न रहें, हाँ मुझे सुने, हम सुनने की चीज है, देखने वाली चीज है ही नहीं। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा जी। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब अच्छा कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसने पांव रखा जो पानी में, उसने पांव रखा जो पानी में, पांव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब, क्या बात है। सारा पानी शराब कर डाला, सारा पानी शराब कर डाला। अभी हमने रंडोर में पढ़ा, देख साहब खड़े हो गए, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं। बात अच्छा, उसने पांव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला, और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब बात है, अगला पिछला हिसाब कर डाला, अगला पिछला। देखिए ये तो बहुत मोहतरम लोग हैं, सुंदर रहे जी। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों, मैं आज की हमारी इस महफिल में हमारे जो आमदार हैं अली जनाब किशोर पाटिल साहब, मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहां माइक पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो आसान हो गया हूं मैं, आप नजर में रखें अली जनाब किशोर पाटिल साहब को, कि ये जो आसान हो गया हूं मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूं मैं, ये जो आसान हो गया हूं मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूं मैं, है दुआओं का काफिला मेरे साथ, नौजवानों का हौसला हूं मैं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारे नौजवानों का हौसला बनने का काम करती हैं। मैं मोहतरम अली जनाब किशोरप्पा पाटिल आपके इस इलाके के आमदार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात अपने दो लफ्ज से इस महफिल को नवाजें। तमाम चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि आप जोरदार तालियों से आमदार साहब अली जनाब किशोरप्पा पाटिल साहब से का इस्तकबाल करें। मालेगांव वालों की कद इतनी छोटी है। लेकिन मूर्ति लहान है, कीर्ति महान है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं मराठी में बोलना चाहता हूं। अच्छा सादिक शाह हुसैनी बाबाचा या उरूच्या निमित्तानं गेल्या अनेक वर्षापासूनची असलेली ही परंपरा अखंडित ठेवलेल्या या मुशायऱ्याच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र आसिमबाई, हाजी साहब, विजयजी भोसले, आमचे एरोंडोलचे नगरसेवक, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर भारतभरातून आलेले सर्व आमचे शायर, या कार्यक्रमाचे आयोजक, ग्रामपंचायतचे सर्व सन्माननीय सदस्य,
आणि समोर उपस्थित असलेले या सुंदर अशा कार्यक्रमाचा आनंद लुटण्यासाठी बसलेले सर्व माझे बांधवांनो, मित्रांनो आणि बाल गोपालांनो, मी पहिल्यांदा तुमच्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो कि मला या मुशायराचं, या उरूजचं प्रत्येक वर्षी आमंत्रण असायचं, परंतु कदाचित माझ्या नशिबात नव्हतं, मी आजपर्यंत या कार्यक्रमाला येऊ शकलो नाही. पण मी आज स्वतःला भाग्यवान समजतो की आज मी या कार्यक्रमाला येऊ शकलो आणि आपल्या सगळ्यांचं दर्शन झालं, त्याचबरोबर आपल्या हुसेनी बाबांचं दर्शन झालं. त्याबद्दल मी आपल्या सर्व आयोजकांना पहिल्यांदा मनापासून धन्यवाद देतो. मी घड्याळ टाइम पाहत होतो, मला खरं म्हणजे मुंबईला जायचं आहे, परंतु दिवसभराचं टेन्शन असं वाटत होतं की आपण कधी पोहोचू कधी निघू, परंतु इथे आल्यानंतर दोनच जण उभे राहिले असं वाटलं. आजचा कार्यक्रम कॅन्सल झाला तरी चालेल, आणखी कार्यक्रम ऐकू, परंतु मालेगाववाले लगेच निघून गेले. पण हरकत नाही बांधवांनो, एक अतिशय आपला हा हिंदुस्थान हा असा आहे, जगाच्या पाठीवर हा आपला अनेक रंगांनी अनेक धर्मांनी अनेक जाती पंथांनी तयार झालेला हा आपला हिंदुस्थान आहे. त्या हिंदुस्थानमध्ये प्रत्येक जाती पाती धर्म आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, प्रत्येकाचे सण वेगवेगळे पाहायला मिळतात, आणि त्याचं एक ऐक्य आज आपल्या सुफी संत या बाबाच्या रूपाने आपल्याला आज हा सुंदर असा कार्यक्रम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय की ज्याची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आपण अखंडपणे या ठिकाणी ठेवतो आहोत. एक सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन आपण या ठिकाणी दरवर्षी करतो, मग ते कव्वालीचं मला वाटतं काल झाला, आज मुशायरांचा कार्यक्रम होतोय. आणि इतक्या या धगधगत्या जीवनामध्ये अशा ह्या सर्व भारतभरातून आलेल्या शायरांच्या मुखातून निघणारी जो काही आनंद आपल्याला मिळतो की आपण दिवसभराचं सगळं दुःख विसरून आणि पूर्ण एन्जॉय आपण आनंद या ठिकाणी लुटत असतो. खरं म्हणजे सगळं विकत भेटतं पण हास्य विकत भेटत नाही, परंतु इथे दोन तास आपल्याला फुकट हसायला मिळतं आणि आपलं आयुष्य आपण वाढवतो असा हा सुंदर या कार्यक्रमाला खरं म्हणजे मी वेळ देऊ शकत नाहीये, परंतु मी पुन्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार मानेल. पुढच्या वेळेस आवर्जून, आतापर्यंत येऊ शकलो नाही, पण पुढच्या वेळेस आवर्जून 2-3 तास जितकाही वेळ कार्यक्रम चालेल त्याचा पूर्ण आनंद मी या यात्रेच्या निमित्तानं, या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी घेईल अशा पद्धतीची ग्वाही देतो. मी खरं म्हणजे आमच्या बालगोपालांपासून सगळेजण या ठिकाणी येऊन 10, 20, 50, 100 रुपये देत होते आणि तो चान्स मला नाही आहे. त्याच्यामुळे या मुशायराच्या निमित्तानं सगळ्या शायरांना मी माझ्याकडून 5,000 रुपये या ठिकाणी जाहीर करतो सगळ्यांना, कारण मी थांबू शकत नाही. सगळ्यांच्यासाठी मी 5,000 रुपयाची देणगी या सर्व आमच्या शाहीर बांधवांना देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अप्पासाहेब, आम्ही बी आज सादिक्षा हुसेनी सरकारच्या दरबारासमोर राहून एक तुम्हाला आश्वासन घेतो आणि तिथे दुआही करतो का त्यांनी अल्लाह सुभाना तआलाकडे एक दुआ करावी का. आपण आता बोललात का मी पुढच्या वेळेस नक्की येईल, पण आमची अशी इच्छा आहे अप्पासाहेब, आपण एक जळगावचा उभरता हुआ चेहरा आहे आणि एक आम्ही पाचोराचे आमचे भरपूर काही मित्र परिवार आहे, तिथेही तुमचं कार्य पाहिलेलं आहे, तुम्ही सर्व समाज बांधवांना सोबत घेऊन चालतात. आम्ही आज या ठिकाणी या निमित्त फक्त एवढीच एक दुआ करतो का अल्लाह सुभाना तआला तुम्हाला एक समस्त मानव कल्याण जातीचं विकासासाठी, सर्व जाती धर्माच्या विकासासाठी येणाऱ्या वेळेस तुम्ही मंत्री म्हणून आमच्या कासोदा शहरात या, एरंडोल तालुक्यात या. मी एरंडोल शहराचा नगर सेवक तालुक्याचा जिम्मेदार व्यक्ती म्हणून तुमचं स्वागत करेल आणि पूर्ण कमिटी पूर्ण पूर्ण या नागरिकांच्या उपस्थितीत सरकारला दुआ करतो की सरकार आपण आमची मनशा पूर्ण करावी और आपण मंत्री म्हणून यावं एवढी एक अपेक्षा. जमे हुए मेरे सभी हिंदू
मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, हमारे आमदार साहब जो दिख रहे हैं आपको, जो तरुण तड़पदार चिकने और जिनके हौसले बुलंद है, उनके लिए एक शेर अदा करूंगा। जब मुशायरा है तो हमें भी नहीं रहा गया, इनके जैसे तो नहीं बोल सकता लेकिन मेरे हिसाब से बोलूंगा। मंजिलें उसी को मिलती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिनके पंख में बल होता है। मंजिलें उसी को मिलती है जिनके पंखों में बल होता है, जिनके पंख बुलंद होते हैं, लेकिन सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता। जिनके सपनों में जान होती है वो मंजिलें हासिल करते करते कई मंजिलें हासिल कर लेते हैं। उसी तरह हमारे आमदार साहब के सिर्फ पंखों में बल नहीं बल्कि उनके सपनों में जान है, इसलिए एक एक कामयाबी वो हासिल करते जा रहे हैं। जैसे हमारे एनोडोरे भैया ने जहाँ कहा कि अगले उर्स को आपा मिनिस्टर बन के आए, इंशाल्लाह इनका पैगाम बाबा सुन ले। थैंक यू। अप्पा साहब, चार लोगों की दिली ख्वाहिश है कि वो किशोर अप्पा साहब और उनकी पूरी टीम का इस्तकबाल करें। मैं फटाफट नाम लूंगा, अशरफ अली, जमशेर पड़ा, रियाज भाई, जलाल दादा गाइस पर आए, और पाचोरा भड़गांव मतदार संघ के लाड़के आमदार किशोर अप्पा साहब का इस्तकबाल करें। अप्पा साहब इस शेर के साथ के यकीन हो के ना हो, बात यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, आप हिंदू मैं मुस्लिम हम सब है भाई भाई, मगर ये दूरियों की साजिश किसी कमीन की है। दोस्तों, अब अजान और नमाज के बाद इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज़ किया जाएगा। कहने लगे रहे उसने क्यों ऑफेंस।